जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों का वोट जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां उन्हें मिला है। सपा को मुसलमान 90% वोट किया था 22 में और इन्होंने टिकट कितने को दिया आपको पता ही है। और जो सेफ सीटें होती हैं जहां पर यादव समाज का वोट होता है और मुस्लिम समाज का ज्यादा वोट होता है जहां से ये खुद लड़ते हैं, हम तो ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जितने परिवार के लोग लड़ रहे हैं वो सब हारने चाहिए, तब इन्हें हमारे वोटों की कदर का मालूम पड़ेगा। आगरा में इन्होंने 4 मंत्री बनाए तो क्या इन्हें कोई मुसलमान मंत्री बनाने के लिए फिरोजाबाद आगरा में मिला नहीं एक भी? मतलब हम केवल इन्हें वोट देते रहेंगे और दरी बिछाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अक्षय को हराने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे तो उसमें गुनाह क्या है? सपा मुसलमानों को शोषण कर रही है जो भाई सपा को वोट देना सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग बॉय मीडिया। हम मौजूद हैं यूपी के फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से जानेंगे फिरोजाबाद के इस बार के मुद्दे, किसका पलड़ा यहाँ पर कितना भारी। यहाँ पर विश्वदीप सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, फिरोजाबाद के पहले सांसद ठाकुर ब्रज सिंह के बेटे हैं। वहीं आकाश यादव सपा के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, और बसपा ने भी यहां से बहुजन समाजवादी पार्टी ने चौधरी बशीर पूर्व मंत्री को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। यहां की जनता से जानेंगे इस बार किसका रुझान ज्यादा। इस वक्त तो गठबंधन का होगा, गठबंधन का देखो सबका सफाया। कौन सा? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन सपा को चुन रहे आकाश यादव। आकाश यादव को चुनेंगे सपा के? अक्षय यादव को यानी गठबंधन को समझ लो। ये तमाम बेरोजगारी और तमाम दुनिया भर की बातें समझ लीजिए, और हर बात में मुसलमान को टारगेट कर रहा है, हर बात में मुसलमान को टारगेट कर रहा है। कोई बीजेपी की सरकार है यूपी में, बाहर से लगता है सब कुछ बदल गया है, यूपी में परिवर्तन, यूपी में कामकाज हो रहा है। कौन सा बता, तुम ही बता दो, आप यहाँ के लोकल। हाँ, आप मतलब चैनल के माध्यम से आप ही खुद बता दीजिए। आपसे जानने आए हम तो, आप लोकल लोग हैं, क्या काम है? आप लोकल हैं, आपसे जानने आए क्या काम हुआ है? कुछ क्या काम हुआ, बजाय काम होने को खाना खराब हो गया, खाना खराब हो गया, देश का पूरे का खाना खराब हो गया। सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे फिरोजाबाद से, आए हैं कभी यहाँ सांसद? आते हैं यहाँ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और शायद पहचानते भी नहीं है लोग। पहचानते भी नहीं। क्या लग रहा है इस बार किसको चुन रहे हैं? इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं, मगर सपा का सांसद नहीं चाहते, क्योंकि हमने पहले सपा के सांसद को जिताया और मुसलमानों ने झोली भर के वोट दिया सपा को, और सपा के सांसद ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं किया। 155 काम किए, 155 कामों में सांसद अक्षय यादव ने कोई काम नहीं किया। फिर किसको चुनेंगे? हम तो चौधरी बशीर को चुनेंगे। क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद हमें यह है, क्योंकि इन्होंने आगरा में काम किया, पूर्व कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने पहले काम किया था आगरा में, तो हमें विश्वास है कि फिरोजाबाद की जनता को फुल विश्वास है कि फिरोजाबाद में भी ये काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार फिरोजाबाद की जनता किसको सांसद के रूप में चुन रही है? सर देखिए, फिरोजाबाद की जनता इस बार काम चाहती है, और आम जनता सिर्फ और सिर्फ चैन और अमन चाहती है। हुआ क्या है कि पिछली बार अगर आप देखेंगे जो सांसद जी रहे थे उन्हें पूरे बहुमत तरीके से जिताने का काम किया था फिरोजाबाद की जनता ने, लेकिन होता क्या है कि सर जब आप जिता देते हैं किसी प्रत्याशी को तो प्रत्याशी आम जनता को भूल जाता है। अक्सर कर ये देखा गया है राजनीति में कि वो प्रत्याशी भूल जाता है। अब की बार हम चौधरी बशीर जी को जिताने का काम कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि चौधरी बशीर एक कोई नया चेहरा नहीं हमारे लिए, आगरा में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और राजनीति में उनकी छवि बहुत साफ है जैसा कि लोग जानते हैं, और अब की बार हमने काम किया है चौधरी बशीर को जिताने का। हमने पूरा अपना एक परचम थाम लिया है कि हम चौधरी बशीर जी को अपने प्रत्याशी जो हमारे उनका जिताने का काम करें, जिससे हमें उम्मीद है उनसे ये है कि यहाँ के जो युवा हैं जो आजकल परेशान है हमारे फिरोजाबाद में, जो परेशान है चौधरी बशीर साहब उनके लिए रोजगार का नया नया एक काम लेकर आए जिससे उनको रोजगार के लिए एक सहायता मिले, समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि चौधरी बशीर साहब एक नया चेहरा नहीं है, अच्छी छवि है और सब जानते हैं कि अच्छा काम करने वाले हैं। आगरा में उन्होंने बहुत सारे, क्या लगता है काम चुनाव निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है चुनाव निकालना चाहिए अब की बार उनको। क्या खास फैक्टर है फिरोजाबाद का? खास फैक्टर ये देखिए, लोगों ने काफ़ी लोगों को फिरोजाबाद की जनता ने मौका दिया है। देखिए रोजगार क्या होता है, इंसान को अगर आज के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो जब तक वो, देखिए आजकल युवाओं के ऊपर सब कुछ है, राजनीति ले लें या आप कुछ भी ले लें, सब कुछ युवाओं से हो रहा है, तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को तब तक युवा आपका
एक सही राह पर नहीं चल पाएगा। चौधरी बशीर साहब ने आपकी बार युवाओं से वादा किया है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, आप हमको बाहरी मतों से जताते हैं, तो हम उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और एक सही राह जो कि हमारे शहर फिरोजाबाद में देखा जाता है कि आजकल बच्चा बड़ा हुआ तो उसे फौरन के फौरन लेबर क्लास में डाल दिया, या कार पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई उनको चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो चौधरी बशीर साहब युवाओं के लिए काम करने जा रहे हैं, और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो पेंशन की स्कीमें होती हैं और भी नई नई स्कीमें होती हैं वो लेकर आएंगे। हमारी बात हुई चौधरी बशीर साहब से और अच्छा काम होगा। क्या बात है, क्या लग रहा है कौन आएगा फिरोजाबाद में इस बार? चौधरी बशीर साहब बंपर वोटों से जीत रहे हैं। चाचा क्या लग रहा है इस बार? चौधरी बशीर जीत रहे हैं बहुत अच्छे वोटों से। अच्छे वोटों से आपने कहा, क्या कारण है इसका, क्या कास्ट फैक्टर है यहाँ का फिरोजाबाद का? वो मजदूरों का साथी है, मजदूरों की हिमात करने वाला आदमी है। अच्छे आलम ने कहीं मुसलमानों की, मजदूरों की कोई हिमात ही नहीं करी। फिरोजाबाद में इस बार क्या लग रहा है, सांसद किसको चुन रही है यहाँ की? अक्षय यादव को। अक्षय यादव को, क्या कारण? अच्छे काम अच्छे किए पहले। क्या क्या समस्या है यहाँ की मूलभूत? मूलभूत का नई आबादी में मान लो गली भली है, नली है, नाली भाली वगैरह सब सुविधा जेड़ा जाल पर जो ना अच्छे यादव लाए यहाँ पे पानी सुविधा करी है। जो पीछे पहले हार गए अक्षय यादव, एक बार बीजेपी सांसद बने, वो उनका कामकाज कैसा आए? उनने काम सकल भी नहीं जाएगी किसी ने। अच्छा, हाँ विश्वदीप है बीजेपी से, बशीर चौधरी है बसपा से, और त्रिकोणीय मुकाबला है, मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है। अक्षय यादव जी, अक्षय यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ के युवाओं को इस बार कौन जीत रहा है फिरोजाबाद? अक्षय यादव जीत रहे हैं। अक्षय यादव जीत रहे हैं, उधर देख के काहे बोल रहे हैं, क्या कहा नहीं वो तो ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार फिरोजाबाद में कौन जीत? फिरोजाबाद में अक्षय यादव साइकिल आई साइकिल। चाचा क्या लग रहा है इस बार फिरोजाबाद की जनता किसको सांसद के रूप में चुन रही है? अक्षय यादव को। अक्षय यादव, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यही है, भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। चली जाएगी बस। तो इतना भारतीय जनता पार्टी से परेशानी क्यों है? अरे बहुत लोग परेशान है ना, काम ना कोई धंधा, हम जैसे मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। अच्छा, ये सांसद आपके आए हैं कभी, काम काज हुआ है कुछ बीजेपी के? हो सकता है अगली बार भी हुआ था, लोगों ने देखा तो इस बार भी हुआ। क्या लग रहा है इस बार फिरोजाबाद की चुनावी हवा किस तरह है? अब तुम भी जानते, हम भी जानते, आप बताइए, आपसे जानना है। अगले इसके अलावा कोई दिख रहा है? ऐसा क्यों भाई, परेशानी, हर आदमी परेशान है, हर तरीके से परेशान। अखिलेश जी क्या कर लेंगे परेशानी? अब करेंगे क्या, वो करना तो कोई नहीं, हमें लोग जो करना है वो करना है। फिर भी अखिलेश जी से उम्मीद है, हम ये है रुझान है पब्लिक का, जीत जाएंगे। अक्षय यादव जीत जाएंगे सब मालूम है तुम्हें, अक्षय यादव जीत जाएंगे, जीते क्यों नहीं। किस तरह का समीकरण रहेगा यहाँ? सबसे पहले तो मेरा नाम अब्दुल मतीन है, और अब्दुल मतीन है तो जाहिर सी बात है मैं एक मुसलमान हूँ, और जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमानों का वोट जो तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ उन्हें मिला है। और यहाँ से जो जो अभी सपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो पहले एक बार एमपी भी रह चुके हैं, और सपा को मुसलमान 90% वोट किया था 22 में, और उसके बाद इन्होंने पूरे यूपी में ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो हमारी जातीय जनगणना के हिसाब से मुसलमान कितना परसेंट है? 20% यूपी में अप्रॉक्सीमेट। और इन्होंने टिकट कितने को दिया आपको पता ही है, और जो सेफ सीटें होती हैं जहाँ पर यादव समाज का वोट होता है और मुस्लिम समाज का ज़्यादा वोट होता है, जहाँ से ये खुद लड़ते हैं, बदायूं में सलीम शेरवानी क्या गलती थी 2009 में, इन्होंने अपने अखिलेश यादव ने अपने भाई को भेज दिया लड़ने के लिए, क्या गलती थी बदायूं में? सलीम शेरवानी लगातार जीतते हुए आ रहे थे। और इन्होंने सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ फिरोजाबाद में और आगरा में, फिरोजाबाद में हमारे यहाँ से पूर्व में अजीम भाई एमएलए रहे, बाई चांस वो बहुत नज़दीकी चुनाव हार गए थे 2012 में, आगरा में इन्होंने 4 मंत्री बनाए, उसमें बीसी के भी बनाए और एससी के भी बनाए मंत्री, तो क्या है ना कोई मुसलमान मंत्री बनाने के लिए फिरोजाबाद आगरा में मिला नहीं एक भी, एक भी मुसलमान केवल वोट दे रहे हैं मंत्री। आपको लग रहा है सपा मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है पर मिल कुछ नहीं रहा मुसलमानों को? सपा मुसलमानों को शोषण कर रही है, जो भाई सपा को वोट देना सोच रहे हैं, देखिए मुसलमान अल्लाह पे भरोसा करता है, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, सुबह अपने काम पे आता है शाम में आता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा भाई, हमारे भाई तुम्हारी 12 में सरकार आ गई आगरा और फिरोजाबाद में, आगरा में तुमने राम माननीय राम सकल गुर्जर जी को मंत्री बनाया, अंजुला मौर मंत्री बनी, शिव कुमार राठौर मंत्री बने, क्या आगरा में रईसुद्दीन कुरैशी मंत्री बनने के लायक नहीं थे क्या? चौधरी वाजिद निसार मंत्री बनने के लायक नहीं थे क्या? फिरोजाबाद में अजीम भाई मंत्री बनने के लायक नहीं थे क्या?
अब आ जाओ 22 पे। 2022 में छुट्टन भाई ने चुनाव लड़ा, आपने तीनों लोगों को गुमराह रखा। अजीम भाई से कहा कि आपको टिकट देंगे, छुट्टन भाई से कहा आपको देंगे, और खालिद भाई से कहा आपको देंगे। तो आपने फिर छुट्टन भाई को टिकट दे दी। आपने अजीम भाई को क्यों नहीं बनाया, एमएलसी का क्यों नहीं उन्हें दिया है कि आपको एमएलसी बनाएंगे, आप छुट्टन भाई को लड़ाइए। आज आपका चुनाव है, आज आपका चुनाव है, तो आप हर नेता को, हर नेता के घर जाके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर का आदमी यहाँ से लड़ रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, मुसलमान इस बार फिरोजाबाद का किसकी तरफ रुख करेगा? मुसलमान, मैं तो ये कहूंगा, मुसलमान जो अक्षय यादव को हराए उसे वोट करे। अगर अपनी अस्मिता और पहचान बचानी है, आपकी ताकत कैसे पता पड़ेगी? आप फिर से वोट दे दोगे, ये फिर जीत जाएंगे, ये फिर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने 2012 में एक मंत्री नहीं दिया यहाँ से, एक एमएलसी नहीं बनाया, केवल एक एमएलए की टिकट देते हैं और महानगर अध्यक्ष बनाते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर फिरोजाबाद में 9 ब्लॉक हैं, 2 SC 2 सुरक्षित हैं, और बाकी 7 पे एक ही कौम के लोग ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। और अभी 22 में नामांकन, जब अभी इस चुनाव में जब नामांकन किया था, मुसलमानों को कहाँ बिठाया था, कितना वोट है जिले के अंदर, सबसे आखिरी में सीट दी थी। अगर आदमी सामने से फोटो खींचे तो उसे क्या नहीं मिलेगा, मुसलमान की टोपी दिखाई नहीं देगी। तो अब मुसलमान जो अक्षय यादव को हराए उसके साथ है, आपके कहने का मतलब है, तो बीजेपी विश्वदीप सिंह या चौधरी बशीर बसपा? अब ये आदमी का पर्सनल इंडिविजुअल है, जो अक्षय यादव को हराए मुसलमान को उसे वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन हरा पाएगा दोनों में? देखिए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ दलित समाज का भी वोट है, मुस्लिम समाज का भी वोट है, और यहाँ वैश्य भी ज्यादा है, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। अब हार जीत तो ऊपर वाला तय करता है। हम तो ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी, जितने परिवार के लोग लड़ रहे हैं वो सब हारने चाहिए, तब इन्हें हमारे वोटों की कदर का मालूम पड़ेगा कि हमारे वोट कितने हैं और हमारे वोटों से इनकी सरकार बनती है। ये मुद्दा सिर्फ मुसलमान का है या कामकाज का भी मुद्दा है कि कामकाज नहीं हुए अक्षय यादव के कार्यकाल में? देखिए, अक्षय यादव ने RTI डाली थी, अभी एक महाशय ने RTI डाली थी, 155 काम कराए थे, जिसमें कि एक भी मुसलमान बस्ती में काम नहीं हुआ। ऐसा है ना, बैकवर्ड तो हम लोग हैं ना भाई, क्योंकि हम थोक में इन्हें वोट देते हैं, हम सवाल को इनसे ही तो करेंगे, पहला हमारा सवाल इनसे है। तो क्या चुन चुन के कि मुसलमानों की बस्ती है तो काम नहीं करवाने? ये केवल हमें हमारा वोट लेते हैं, और जब काम करने की बात आती है काम नहीं करते, ना ही फोन उठाते हैं लोगों का। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी योजना आती है, कुछ आती है, तो इन्होंने 12 के मैनिफेस्टो में देख लिया, इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए 2012 का, इन्होंने क्या दिया, नहीं दिया। मतलब हम केवल इन्हें वोट देते रहेंगे और दरी बिछाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अगर बीजेपी भारी पड़ी तो क्या मुसलमान अक्षय को हराने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे? तो उसमें गुनाह क्या है, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने, और पिछली बार माननीय शिवपाल सिंह यादव जी अक्षय यादव के खिलाफ लड़े थे, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्योंकि जब तक इन्हें हराया नहीं जाएगा, इन्हें हमारा वोट जो ले रहे हैं उसकी अहमियत इन्हें पता नहीं पड़ेगी, हमारा वोट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान ही वोट करता है इन्हें।